हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोटेक्नो मित्रा पर। आज हम करेंगे नो योर हरियाणा सीरीज़ क्लास 5। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ विद इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि जो पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, वो कब हुई थी? कब हुई थी हमारी? ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1526, 1536, 1556 एंड 1527। तो फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1526, ठीक है? और किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है? और फर्स्ट बैटल थी जो, फर्स्ट बैटल में किसकी जीत हुई थी? बाबर की, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कौन से स्टेट का है? हरियाणा, असम, पंजाब, केरला। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा, ठीक है? ये इधर शो भी किया हुआ है स्लाइड में, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, दमन दीव 618, केरला 1084, तमिलनाडु 996, पुडुचेरी 1037, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट? जो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है वो कितना है? ऑप्शन है हमारे पास 1569, 1558, 1569, 1557। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी? ऑप्शन ए 1569। इसमें क्या है हमारे पास, जो प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र है, ठीक है, प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र है वो है हमारे पास 1158 स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास अनक्लास्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है? और थर्ड है हमारे पास रिजर्व्ड, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है? ये तीनों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है? जो हमारे पास प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड क्या होता है हमारे पास? संरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है? संरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है? ये हमारे पास 1158 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? सेकंड है हमारे पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन क्षेत्र, ठीक है? अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना हमारे पास? 152 स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है? अब बचा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट हमारे पास कितना है? 249 स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है? रिजर्व क्या होता है हमारे पास? रिजर्व है हमारे पास आरक्षित वन क्षेत्र। क्या है? आरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है? ये थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन के, ठीक है? और कोई सा भी हमारे पास इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द पोंड ऑफ राव तेज सिंह? राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, डी रेवाड़ी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? रेवाड़ी। ये बनवाया था राव तेज सिंह ने 1810 से 1815 के बीच में, ठीक है? एक और तालाब है रेवाड़ी में, उसको बोलते हैं बाग वाला तालाब। क्या बोलते हैं? बाग वाला तालाब, ठीक है? ये बनाया था राम अहीर ने, राम अहीर ने। किसने बनवाया था? राम अहीर ने। और ये बेटे थे किसके सन थे? ये सन ऑफ गुज्जरमल, गुज्जर मल। ये बाग वाला तालाब है, ये भी रेवाड़ी में ही है और ये राम
अहीर ने बनवाया था, ठीक है, जो किनके बेटे थे, गुज्जर मल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट टॉयलेट इन द हाउस हैज बिन मेड मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स इन द पंचायत इलेक्शंस। क्या का क्वेश्चन में कि जो पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी होगा, ठीक है, उसके घर में शौचालय होना अनिवार्य किया गया है, वो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, असम, पंजाब, केरला। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये पहल की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी जो भी मतलब पंचायती इलेक्शन का चुनाव लड़ेंगे, जो भी प्रत्याशी होगा, कि उसके घर में शौचालय होना अनिवार्य है। ठीक है, ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज शेरशाह चाइल्डहुड स्पेंट। कहा है कि शेरशाह का जो बचपन है वो हरियाणा के कौन से जिले में बीता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास करनाल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? महेंद्रगढ़। ठीक है, वन मोर थिंग कि जो टॉम्ब ऑफ इब्राहिम खान, ठीक है, कौन थे इब्राहिम, इब्राहिम सूर, यानी कि इब्राहिम खान या इब्राहिम सूर कौन थे? वो थे शेर शाह सूरी के ग्रैंडफादर। उनकी टॉम्ब भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वाज भिवानी टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1934, 1937, 1938 एंड 1935। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटेश्वर टेम्पल, घंटेश्वर टेम्पल यानी कि घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है हमारे पास पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर या फिर झज्जर। राइट आंसर क्या है हमारे पास? रेवाड़ी। घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, सिरसा। तो एरिया वाइज हरियाणा का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास सिरसा। ठीक है, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो हो गया सिरसा, अब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई, कौन सी होगी? फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एटॉमिक पावर स्टेशन बीइंग बिल्ट इन हरियाणा। जो हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास फतेहाबाद। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है हमारे पास, क्या है हमारे फैक्ट्स इसमें कि जो हमारा परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है, या फिर हरियाणा परमाणु, हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं कि हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ये है हमारे पास 560 हेक्टेयर में। ठीक है, यानी कि कितना हो गया हमारे पास एकड़? 1400 एकड़। ठीक है, 1400 एकड़ में बनाया जा रहा है ये। और इसकी कंस्ट्रक्शन है जो, वो कब शुरू हुई थी? जो इसकी यूनिट वन एंड टू, इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी जनवरी 2018 में शुरू हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? NPCIL। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इज मिथाथल द सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन है हमारे पास करनाल, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। राइट ऑप्शन है हमारे पास भिवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी यानी के पॉपुलस सिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ऑप्शन हमारे पास करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, और इसमें सेकंड फैक्ट क्या हो गया हमारे पास, सबसे कम, सबसे कम किसकी है, पंचकुला। ठीक है, इसमें दो फैक्ट और है हमारे पास, वन एंड टू, सबसे अधिक लिंग अनुपात 907 मेवात और सबसे कम गुरुग्राम 854। और ये लिंग अनुपात हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द हैपनिंग हरियाणा कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2016 टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। क्या कहा है, 2016 में जो हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था वो, ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, गुरुग्राम में। जो हैपनिंग हरियाणा कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 7 से 8 मार्च 2016 में। ठीक है, और क्या थी, ये थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, गुड़गांव में हुई थी, और गुरुग्राम में कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी होटल लीला। ठीक है, एम्बियंस, एम्बियंस में, ठीक है, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज बनवाली द सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड। जो सिंधु सभ्यता का केंद्र है बनवाली, वो कहाँ पर है, ऑप्शन है हमारे पास करनाल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। तो कहाँ पर है ये हमारे पास फतेहाबाद में। ठीक है, एक है बन, ये तो है बनवाली जो फतेहाबाद में है। ठीक है, एक है बनावली, बनावली, ठीक है, ये भी इंडस सिविलाइजेशन है। ये कहाँ पर है, ये है हिसार में। ठीक है, और ये हिसार में कहाँ पर है, हिसार में है ये रंगोई, रंगोई नदी के तट पर। ठीक है, रंगोई नदी के तट पर जो ये नगर है, ये है रंगोई नदी के तट पर, बनावली। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बनवाली है फतेहाबाद में और बनावली है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फैक्ट्री ऑफ हीरो मोटो कॉर्प। कहाँ पर है हीरो मोटो कॉर्प का कारखाना, पलवल, रेवाड़ी, यमुनानगर, झज्जर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, रेवाड़ी। रेवाड़ी में भी कहाँ पर है, ये है हमारे पास थारुहेड़ा। आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।